ओके फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से पर्सनल लोन्स के बारे में कि कैसे आप इंस्टेंट कैश लोन ले सकते हैं, यानी इंस्टेंट अप्रूवल कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली वीडियो में बनाया है, कैसे बताया है इस कम्प्लीटली आप देख लीजिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर कि कैसे आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए से मेल आ रहा था कि सर मुझे एक बड़े अमाउंट के लिए लोन चाहिए, कैसे हमें लोन मिलेगा, इसके ऊपर एक कम्प्लीटली वीडियो बनाइए ताकि हमें लोन के लिए लेने में बड़ी आसानी हो। तो दोस्तों इसके ऊपर ही मैं वीडियो कम्प्लीटली बनाया हूँ और आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, सारे चीज़ें वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए, तब यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर आप स्किप करते तो आपको समझ में नहीं आने वाला। दोस्तों मैं हूं मित्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल में, आपका स्वागत करता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आने पे वीडियो को करिएगा लाइक, हमारे चैनल पे पहली बार आया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल लोन्स के बारे में, या फिर होम्स लोन से, या फिर बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, इस वीडियो को कम्प्लीटली आप देख लीजिए कैसे यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या बेनिफिट होंगे, क्या लॉस होंगे, सारे चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा। इंटरेस्ट रेट की भी बात यहाँ पर करूँगा। दोस्तों चलिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, डिटेल्स में यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों काफ़ी व्हाट्सएप ईमेल के जरिए से हम मुझे यहाँ पर मेल और कमेंट्स आ रहे थे कि सर मुझे बड़े अमाउंट्स के लिए लोन चाहिए, यहाँ पर सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय दोनों के लिए मैं यहाँ पर लोन अमाउंट बताने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पर मैक्सिमम लोन की बात करूँ तो 40 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बिजनेस मैन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय या फिर सैलरीड पर्सन हो तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए, बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए, अगर आप स्किप करते हो तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। इस वेबसाइट के जरिए से आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी कर पाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी कर पाएंगे। तो काफी चीजें यहाँ पर लोन्स प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो होम्स लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम्स लोन्स बिजनेस, यहाँ पर पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, गोल्ड लोन्स भी यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ पर्सनल लोन्स के बारे में, यहाँ पर दूसरी बात करूंगा यहाँ पर बिजनेस लोन्स के बारे में। तो कैसे यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई करेंगे इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए। दोस्तों इस वेबसाइट पे यहाँ पर देख सकते हैं 4 मिलियन है इनके कस्टमर, जो कि हैप्पी कस्टमर हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं 2500 से रिलेशनशिप यहाँ पर मैनेजर का है, और यहाँ पर देख सकते हैं 45,000 यहाँ पर बिजनेस इनका है, और साथ ही साथ यहाँ बैंक NFC के साथ यहाँ पर 90+ इनके साथ जुड़े हुए हैं, और इनके यहाँ पर देख सकते हैं 100+ इनको अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये 500 सिटी में अपनी वेबसाइट भी काम भी करती है। तो चलिए बात करते हैं इनका पर्सनल लोन्स के बारे में, क्या क्या यहाँ पर लोन की एलिजिबिलिटी होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो कम्प्लीटली इस वीडियो को देख लीजिएगा आप सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉय। तो दोस्तों हम बात करेंगे पर्सनल लोन्स के बारे में, क्या फीचर होगी, क्या फीचर नहीं है, क्या बेनिफिट होगा। तो दोस्तों हम एडवांटेज की बात करूँ पर्सनल लोन्स के लिए, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई कलेट्रल चार्ज नहीं देना होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सनल लोन्स के बारे में। तो आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए जो कि 650 से ऊपर, आपका अगर 650 से अगर ऊपर है तो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ कहूँगा सबसे पहले अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिए, या फिर क्रेडिट स्कोर चेक करने के बाद ही यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय सैलरीड पर्सन है तो दोस्तों यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगा, क्या क्या हम यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट्स देना होगा पर्सनल लोन्स के लिए। तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर वोटर आईडी कार्ड अगर आप यहाँ पर देना चाहते हो तो दे सकते हैं, यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। हाँ यहाँ पर मैंडेटरी की बात करो तो दोस्तों यहाँ पर आपके जहाँ भी आपका बिजनेस शॉप है वहाँ का आपको यहाँ पर एग्रीमेंट देना होगा, ठीक है, जिस जगह पे आपका होगा वो प्लेस एड्रेस आप यहाँ पर देना पड़ेगा। और इनकम डॉक्यूमेंट्स की हम बात करूँ सैलरीड पर्सन लोगों के लिए तो यहाँ पर सैलरी स्लिप आपका 6 मंथ का होना चाहिए, और IT रिटर्न अगर आप टैक्स भरते होंगे तो आपको यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर देना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा 3 मंथ के लिए। और दूसरी बात अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ का करेंट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ये चारों चीज़ें आपके पास हैं तो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे यदि सैलरीड पर्सन है तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय लोगों के लिए तो यहाँ पर भी कुछ अलग तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपको यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस होगा वहाँ लॉस और प्रॉफिट जो भी आपका जिस तरीके से आपका बिजनेस चलता होगा वहाँ पर आपका ब्यूरा देना पड़ेगा।
और आप अगर आईटी रिटर्न भरते होंगे तो यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर देना पड़ेगा और यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा कि आपकी इनकम क्या है, किस तरह से आप इनकम लेते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और आपका खुद का बिजनेस तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर होगा, तो आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर लोन अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको मैं क्लियर कर दिया कैसे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको देना पड़ेगा, क्या इनकम डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर सिविल स्कोर आपके पास अगर चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, सबसे पहले अपना सिविल स्कोर चेक कर ले कि आपका सिविल स्कोर कितना है, 650 ऊपर है तभी इस वेबसाइट के जरिए से लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात किया दोस्तों कि जैसे कि पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर होम्स लोन लेना चाहते हैं या फिर दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की, इंटरेस्ट रेट कितना हमें चार्ज करना होगा, क्या प्रोसेसिंग फी होगी, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर जान लेना बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं क्या क्या है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट फी आपको देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट की बात करो तो यहाँ पर 11.25% से लेकर 70% आपको यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। यहाँ लोन टर्म की बात करो तो 12 मंथ से लेकर 72 मंथ तक आपको लोन टर्म आपको मिलेगा। और लोन अमाउंट की बात करो तो 75,000 रुपये से लेकर 25,00,000 रुपये तक के यहाँ पर लोन अमाउंट ले पाएंगे। यहाँ पर प्रोसेसिंग फी की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 0.55% से लेकर 2.5% आपको यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। और यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर फी क्लोजर फी 2% अलग से देने पड़ेंगे, पेमेंट एक्सिट फी यहाँ पर 25% आपको अलग से देने पड़ेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट के अनुसार। तो दोस्तों अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर 21 ईयर्स लेकर मैक्सिमम 58 ईयर्स तक आपका एज होना चाहिए तभी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पर मिनिमम लोन्स आपको 2,00,000 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पर आईटी रिटर्न्स अगर आप फॉर्म फिलअप करते होंगे तो यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आईटी रिटर्न फॉर्म फिलअप करते होंगे तो वो आपको यहाँ पर ब्यू आपको देना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पर लोन सेक्शन हो सकता है। और यहाँ पर किसी तरह का ग्रांटर नहीं, किसी तरह का सिक्योरिटी मनी आपको यहाँ पर जमा करना होगा, किसी तरह कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा अप्रूवल भी मिल सकता है आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो यहाँ पर दोनों आप अप्लाई कर पाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी प्रोडक्ट को लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप बेसिकली ले सकते हैं। इस वेबसाइट की दोस्तों अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस भी आई यहाँ पर प्रोडक्ट फीचर देती है, लाइफ इंश्योरेंस भी आप करा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए भी यहाँ पर लोन इंश्योरेंस ले सकते हैं, सारे चीज़ें इस वेबसाइट के जरिए से आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हम इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो इनका खुद का एक ईमेल आईडी है जो कि ऑफिशियल है, यहाँ पर देख सकते हैं। इनका टोल फ्री नंबर भी है, अगर आप इनसे कोई भी क्वेरी करना चाहते हो तो अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पर सिटी और अपना कमेंट जो भी अपना छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हैं और यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, इनसे एजेंट हो गए जो कि आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट करेंगे, आपसे क्वेरी करेंगे क्या क्या आपको प्रॉब्लम है क्या नहीं, सारी चीज़ें डिटेल भी ले सकते हैं, इनके फोन नंबर के जरिए से, मेल आईडी के जरिए से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा क्योंकि लोन और फाइनेंस रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।